नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध बारूद के भंडारण में विस्फोट, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। विस्फोट से कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। सुरीर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर अवैध बारूद में अचानक विस्फोट होने से दो मंजिल मकान ढह गया, तो वहीं मकान का मलबा करीब 200 मीटर दायरे में जाकर गिरा, जिससे आसपास के मकानों में रह रहे कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घनी आबादी के बीच बारूद का भंडारण किया जा रहा था, अचानक देर रात बारूद में आग लग गई। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें अवैध बारूद का भंडारण कर रहे जोगेंद्र और उनकी पत्नी शिवानी सहित पड़ोसी बॉबी जोशी, ब्रज किशोर, इंद्रवती, शशि खोना और कारों घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर गांव में सो रहे लोग घटनास्थल की ओर दौड़ लिए और मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें जोगेंद्र की उपचार को ले जाते समय मौत हो गई। वहीं शिवानी और बॉबी जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जोगेंद्र सिंह बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का काम करता था और उसने घनी आबादी में अपने घर पर आतिशबाजी का अवैध भंडारण कर रखा था। कई पशु भी इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। आनन फानन में सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और नौझील पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। लगभग 1 बजे थाना कस्बा सुरीर में एक घर में संदिग्ध स्थितियों में विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हॉस्पिटल ले जाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं 6 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को उपचार के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया है एवं 3 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। रात भर चले सर्च ऑपरेशन में SDM एवं CO द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से जांच हेतु SSP महोदय द्वारा CFO को नामित किया गया है। CFO घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। शीघ्र ही प्रकरण की जांच करते हुए प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई के लिए कला गाँव सभा है जो कस्बे के रूप में है जी। उसमें श्री योगेंद्र पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल के घर पे कुछ बारूद जैसा सामान रखा था जी, उससे विस्फोट हो गया। उनकी गाटरदार और पटियादार छत थी जो गिर गई है और अगल बगल के मकानों पे भी उसके मलबे रखे गए हैं जी। छत आई जिसमें एक कैजुअल्टी श्री योगेंद्र सिंह की हुई है जी। जात के SC हैं, उम्र लगभग 25 वर्ष है और 6 लोग घायल हैं, जिनकी घायलों की हालत तो सही है। 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 निजी अस्पताल में एडमिट है, सबकी हालत ठीक है। मतलब क्या ये लाइसेंस लेकर काम कर रहे थे, क्या था पूरा प्रोग्राम? ये तो जांच का विषय है। लोगों ने बताया है कि बारूद में काम करते थे जी। तो फिलहाल इनके पास लाइसेंस शायद नहीं, लेकिन जाँच का विषय है, जाँच कराया गया। जी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जी FIR होगी इनके खिलाफ, देखा जाए कैसा होगा। सतीश, क्या घटना यहाँ हुई है? आतिशबाजी का विस्फोट है सर। कहाँ हुआ ये विस्फोट? ये है बाबूलाल ठेकेदार जी, उनके नाम से लाइसेंस था, वो ख़त्म हो गए हैं जी और अब ये अवैध लाइसेंस चला रहे थे जी। तो इसमें क्या कितने लोग घायल हुए हैं? 4-5 लोग घायल हो गए जिन्हें मथुरा ले गए। कितना भयंकर विस्फोट था यहाँ? बहुत ज़बरदस्त। तो क्या 2 मंजिल मकान धराशायी हो गया? दो मंजिल हो गया और क्या, पड़ोसी भी कम से कम 3-4 लोग मकान गिर चुके हैं उनके। तो ये घटना कितने बजे की है? लगभग 12:15 बजे। 12:15 बजे की घटना है जी। तो इसमें घायल कौन कौन हुआ है, कुछ नाम वगैरह मालूम है? हाँ, जोगिंदर, दूसरा बाबूलाल और बॉबी जोशी और जोगिंदर, ये लोग घायल हुए हैं। ये लोग घायल, कहाँ भेजा गया है इनको, कुछ पता है? हाँ, इनको प्राइवेट गाड़ी ले गई है।